गुड इवनिंग सभी को। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे पता किया जाए। तो देखिए, कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसकी वर्किंग इसी बात पर डिपेंड करती है कि उसमें कम से कम आपके क्या है, दो हाफ सेल होने चाहिए। कितने होने चाहिए? दो हाफ सेल। कभी भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो सिंगल हाफ सेल पे वर्क नहीं कर सकता। कर सकता है क्या सिंगल हाफ सेल पे वर्क? नहीं। तो अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है तो क्या मैं उसको सिंगली हैंडल करके, यानी खाली उसी को कंसिडर करके और साथ में कोई दूसरा हाफ सेल ना लेकर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकता हूँ? कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो वर्क ही नहीं करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जैसे मैं चाहता हूँ कि जिंक का मुझे पता करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसका? जिंक का। तो जिंक को मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक हाफ सेल बना दूंगा उसको। अब मैं दूसरा हाफ सेल लूँ ही ना तो क्या मैं जिंक का पोटेंशियल पता कर पाऊँगा? नहीं। इसका मतलब है मुझे एक हाफ सेल क्या करना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये है कि जब हमें किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना होता है तब हम उस मेटेलिक इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन के साथ में एक हाफ सेल बना देते हैं और दूसरा हाफ सेल जो हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो ये है, एनी हाफ सेल Always works in pair with another half cell in a chemical electrochemical cell। किसी भी electrochemical cell में एक half cell हमेशा दूसरे half cell के pair में ही काम करेगा, साथ में ही काम करेगा। अब सपोज कीजिए मुझे जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है तो मैं क्या करूँगा, जिंक की प्लेट को इलेक्ट्रोड बनाऊँगा और उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में क्या कर दूँगा, पुट कर दूँगा। स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं हम, वन मोलर कंडीशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ हाफ सेल एक ही है तो कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना क्या? नहीं बना। और अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोड पता करना है, पोटेंशियल पता करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मुझे एक हाफ सेल और चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एक हाफ सेल। तो इस केस में जो हाफ सेल हम यूज़ करते हैं वो एक स्टैंडर्ड हाफ सेल होता है जिसको हम यूनिवर्सली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल है इस हाफ सेल का जो हम सेलेक्ट करेंगे, इसका पोटेंशियल हम कितना लेते हैं? जीरो लेते हैं। कितना लेते हैं? जीरो। तो इस हाफ सेल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी S.H.E। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, उस हाफ सेल को रख देते हैं जो रेफरेंस वाला हाफ सेल है। कौन सा वाला है? रेफरेंस वाला। उसको क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या रेफरेंस वाला है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कितना लेते हैं? जीरो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है उस हाफ सेल को रख दिया। सो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये SHE। ठीक है, तो इसके साथ इसका पेयर बना देंगे हम। यहां पे हमने क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर लगा दिया। तो अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा? कैथोड की तरह। ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एनोड की तरह। करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? प्लस से माइनस। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा वो हम नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो नोट इसमें नोटिस में आएगा, वो आएगा 76.76 वोल्ट। तो ये क्या हो गया? सेल का EMF हो गया। क्या हो गया? सेल का EMF। तो आप देखते हैं, हमें पता है सेल का EMF जो होता है दैट इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। सेल का जो EMF होता है वो क्या होता है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट।
ई राइट में क्या है आपका एस एच ई है, क्या है? तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना माना है हमने? जीरो माना है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे निकालना है, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल को मैं क्या ले लूँ? ई एल ई ले लूँ। ई सेल की वैल्यू कितनी आई है बेटा? तो ये ई एल यहाँ ले आओ, ई लेफ्ट। तो देखो ये किसका निकल गया? जिंक का निकल गया। जिंक टू प्लस से जिंक, ये यही है ना? तो आपने देखा जिंक का मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया, कितना आया जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? -0.76। कैसे निकाला समझ में आ गया? हमने क्या किया, पेयर में जो है सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया है, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर से हमने जो है सेल का ईएमएफ नोट कर लिया है, जो कि 0.76 वोल्ट आया है। इसका पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। उस इक्वेशन में रखा हमने और निकाल लिया। अभी हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड का साइन नहीं लगाया, तो स्टैंडर्ड का साइन लगा देते हैं सभी में, ठीक है, सब में स्टैंडर्ड का साइन लगा देते हैं। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है हमारे कि मैंने जिंक को इधर ही क्यों लगाया, मैंने जिंक वाली कंटेनर को इधर ही क्यों फिट किया, इसको इधर इसको उधर क्यों नहीं फिट किया? तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपको इस तरफ उसको फिट करना है जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो इन दोनों में जो हाइड्रोजन होता है, H प्लस आयंस जो होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किससे? जिंक से, ठीक है, समझ में आ गया भी? तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज़्यादा हो उसको हमें राइट में रखना है। तो इस केस में जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो आपने देखा कि कोई भी हाफ सेल जो है पेयर में वर्क करता है। अगर हमें किसी भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड का जो है पोटेंशियल पता करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसकी प्लेट को हम उसके सॉल्यूशन में डिप करके रख लेते हैं और साथ में एक हाफ सेल और ले लेते हैं जो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है, क्लियर है? तो इससे निकाल लेते हैं उसका ईएमएफ हम हमेशा कितना लेते हैं, उसका पोटेंशियल हमेशा कितना लेते हैं? जीरो। कितना लेते हैं? जीरो। फटाफट पहले इसको उतार लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है हाफ सेल। तो अब पहले हम इस बारे में जान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, विच एक्ट एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो किसकी तरह एक्ट करता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है, विच एक्ट्स एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर मेटेलिक इलेक्ट्रोड, जो दूसरे मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, अदर मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। दूसरी बात है इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? एस एच ई का, इज कंसीडर्ड जीरो। कितना कंसीडर किया जाता है? जीरो वोल्ट। जो सिंपल जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है बाय डिफॉल्ट जीरो कंसीडर किया जाता है, जीरो वोल्ट, ठीक है। यानी ई एच प्लस से एच टू जीरो वोल्ट, एच प्लस से एच टू क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये। यहाँ पे सिंबल लगा लीजिए स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना है? जीरो वोल्ट, वो जो हमने बनाया था। अब इसको बना लेते हैं, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं होता क्या क्या है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि एक जो है प्लेटिनम वायर उसको सील्ड कर दिया जाता है ग्लास ट्यूब के अंदर, किसके अंदर? तो एक प्लेटिनम वायर को एक ग्लास ट्यूब के अंदर सील कर दिया जाता है। ये ग्लास ट्यूब है आपकी, इसके अंदर प्लेटिनम वायर सील कर दिया, और इस प्लेटिनम वायर का जो फ्री एंड होता है वहां पे एक प्लेटिनम की फॉयल लगा दी, किसकी फॉयल लगा दी?
प्लैटिनम की, और इस प्लैटिनम फॉयल को हमने प्लैटिनम ब्लैक से क्या कर दिया, कवर कर दिया बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। याद है जो हम पहले करते थे उसमें कनेक्टिविटी सेल में, तो प्लैटिनम फॉयल है ये जो कि प्लैटिनम वायर के एंड पे अटैच है, और इसको हमने प्लैटिनम ब्लैक से जो है क्या कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके कवर कर दिया है। ये प्लैटिनम ब्लैक क्या करेगा, पोलराइजेशन इफेक्ट को कम करेगा। किसको कम करेगा? अब इसको जो है हमने जो है एक और हॉलो ग्लास ट्यूब लगाई है, इसमें एक और हॉलो ग्लास ट्यूब है इस तरह से, ठीक है। और इस सिस्टम को हमने जो है एक बीकर में HCl सॉल्यूशन भर लिया। क्या भर लिया? HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं HCl एक्वस 1 मोलर, कितना 1 मोलर, उसमें डिप कर दिया। समझ में आ गया बात? और इधर से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये एंड दिखाई दे रहा है, ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ से हम H2 गैस को पंप करेंगे, बबलिंग करेंगे H2 गैस की। और ये H2 गैस जो हम सप्लाई करेंगे यहाँ से, ये जो है कांस्टेंट रेट से होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये बबलिंग शुरू हो जाएगी। समझ गए? ये आपका क्या बन गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया, ठीक है। क्या बन गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके अंदर H2 भी है, क्या है, H2 भी है इसके अंदर, और क्या है, H+ आयंस भी हैं, H+ आयंस यहाँ से, और H2 गैस जो हम बबलिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बबलिंग। क्लियर हो गया? तो दोबारा समझ लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। एक ग्लास की सॉलिड ट्यूब होती है, दिखाई दे रही है यहाँ पे, उसमें एक प्लैटिनम का वायर हम सील कर देते हैं, सील मतलब फिक्स कर देते हैं, उसके फ्री एंड पे, प्लैटिनम वायर के फ्री एंड पे हम जो है एक प्लैटिनम की फॉयल लगा देते हैं, जिसको प्लैटिनम ब्लैक से क्या कर रखा है हमने, कवर कर रखा है, ताकि पोलराइजेशन इफेक्ट कम हो जाए। पोलराइजेशन इफेक्ट आपको समझ में आता ही है, ठीक है, आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो इसके पास में। और इसको जो है एक होलो ग्लास ट्यूब के अंदर पैक किया है, इस होलो ग्लास ट्यूब में ओपनिंग है जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं या बबलिंग कर सकते हैं। और इस सिस्टम को हमने जो है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया है, डिप कर दिया। क्लियर हो गया? इसके अंदर भी यही भरा होगा। अब समझ में आ गया सारा कुछ, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है कि जिसका भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, उसके साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो या तो ये कैथोड के रूप में काम करेगा, कैथोड बोले तो राइट हाफ सेल के रूप में काम करेगा, या फिर ये एनोड के रूप में काम करेगा, यानी लेफ्ट हाफ सेल के रूप में काम करेगा। डिपेंड करता है कि इसकी टेंडेंसी कम है ज़्यादा है, क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। अगर इसकी टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की उसके मुकाबले में, तो ये लेफ्ट में रहेगा। और अगर इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड, तो ये किस में रहेगा, राइट साइड में रहेगा। राइट में हमेशा वो रहेगा जिसकी टेंडेंसी क्या हो, ज़्यादा हो, क्या करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, यानी रिड्यूस होने की, क्या होने की, रिड्यूस। इतना समझ में आ गया? तो ये जो है, और इसका हम सेल पोटेंशियल, इसका जो है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेते हैं, बाय डिफॉल्ट 0 लेते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे कैलकुलेशन में, वो देख लेते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए, यहाँ पे रुक जाओ, मैं बेटा और लिखवा देता हूँ, इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या होता है लिखवा देता हूँ यहाँ पे। SHE हैज अ PT वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब, द फ्री एंड ऑफ PT वायर इज, द फ्री एंड ऑफ PT वायर हैज अ PT फॉयल कोटेड विद PT ब्लैक। The complete system is dipped in 1 molar HCl solution. The system is dipped in 1 molar HCl solution and H2 gas is bubbled through this solution. ठीक है, तो ये उतार लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको बेटा, उतार लीजिए। तो हमने पिछली क्लास में, पिछले टॉपिक में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन देखा। अब हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि इस
SHE का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी मेटालिक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे जो है रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है, मालूम करना है किसका, कॉपर इलेक्ट्रोड का। किसका? कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको इस तरह से दिखाऊंगा मैं। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो देखिए हमें करना क्या है कि हमको कॉपर की रॉड लेनी है और उसको डिप करना है किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 1 मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ तो इस सेल को, कॉपर वाले को मैं राइट बनाऊंगा, किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, या फिर क्या बनाऊंगा, लेफ्ट बनाऊंगा। तो देखिए अगर कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो कॉपर वाले को मैं क्या बनाऊंगा, राइट बनाऊंगा। तो जिसकी भी टेंडेंसी ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, यानी रिड्यूस होने की, क्या होने की, उसको हमेशा राइट हाफ सेल बनाना है। क्या बनाना है? राइट हाफ सेल। तो कॉपर की टेंडेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन से। तो कॉपर की टेंडेंसी ज़्यादा होती है रिड्यूस होने की, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को क्या बनाऊंगा मैं, राइट बनाऊंगा। तो ये मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया और इसमें क्या भर दिया बेटा मैंने, 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस। और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड कैसा काम करेगा, प्लस कैथोड की तरह। और साथ में इसके पेयरिंग में मैंने ले लिया, अच्छा मैंने ना पिछली बार सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया था, दोबारा भूल गया मैं, सॉल्ट ब्रिज जरूर लगा लेना, ठीक है। और पेयरिंग में मैं क्या लूँगा अब, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लूँगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, इसे कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर लगा दिया प्लस में, ये वोल्ट मीटर लगा दिया। और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। क्लियर हो गया? इसका मतलब इस केस में क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन होगा, और इस केस में क्या होगा आपका, रिडक्शन होगा। क्लियर है? ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है ई राइट और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ई लेफ्ट। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, यानी जो सेल बन गया ये, इस सेल का जो EMF आएगा वो आता है +0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना आता है इसका पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल आता है प्लस में 0.34 वोल्ट। क्लियर है? इसे रीडिंग जो आती है इसकी, तो आपको पता है कि जो सेल का EMF होता है या पोटेंशियल होता है, दैट इज इक्वल टू E right minus E left। तो E cell कितनी रीडिंग आई है यहाँ पे, 0.34। EL की वैल्यू कितनी है, सॉरी E right हमें निकालना है, तो E right को E right रहने दिया, और EL की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ से निकलेगा तो E right कितना आया, यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, कॉपर इलेक्ट्रोड का, वो कितना है, +0.34 वोल्ट। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड का। जिंक वाले में कितना आ रहा था, -0.76। तो एक चीज आप ये नोट करोगे कि वो सभी इलेक्ट्रोड्स जिनकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि जिनकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव, याद रखना। वो सभी मेटेलिक इलेक्ट्रोड जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के, उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या आएगा, प्लस। ठीक है, और जिनकी टेंडेंसी कम है, जैसे जिंक था, तो जिंक की टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, कम है, बल्कि वो क्या करता है, छोड़ना जानता है, लूज करना जानता है, तो उसकी नेगेटिव आएगी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, उसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिंक वाला केस लेते हैं, उसमें जो जिंक था उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम थी, और हाइड्रोजन के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या थी, ज़्यादा थी। इस केस में आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को राइट में रखेंगे और जिंक इलेक्ट्रोड को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, और जिंक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। इस तरह से अगर आप कोई और भी लेते हैं जिंक जैसा ही, तो उसका बाद क्या आएगा, आपका माइनस पोटेंशियल ही आएगा। अब ये वाला केस लेते हैं, इस केस में क्या है कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो कॉपर इलेक्ट्रोड को हम क्या रखेंगे, लेफ्ट, सॉरी राइट में रखेंगे, रिडक्शन वाले में। किस में रखेंगे, रिडक्शन वाले में, इसको ऑक्सीडेशन वाले में रखेंगे। और इस केस में कॉपर रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन उधर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, वो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो कॉपर जैसे जो और भी हैं उनका भी क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर हो गया, उतार लो बेटा फटाफट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगा। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल पता कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, और उनके रिडक्शन पोटेंशियल को जब हम डिक्रीजिंग वैल्यू में, किस वैल्यू में अरेंज करते हैं, तो जो सीरीज बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, जब डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से ज्ञात कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, और उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम डिक्रीजिंग वैल्यू में अरेंज करते हैं, तो जो सीरीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ SHE, द रिडक्शन पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड वाला रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑफ डिफरेंट मेटालिक इलेक्ट्रोड्स कैन बी फाउंड आउट, ठीक है, व्हेन दीस रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला, ऑफ डिफरेंट मेटालिक इलेक्ट्रोड्स is arranged in decreasing value then series so obtained is called electrochemical series। और एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं इसे, मेटल एक्टिविटी सीरीज। समझ में आ गया आपको बेटा? तो जब रिडक्शन पोटेंशियल को डिक्रीजिंग वैल्यू में अरेंज किया जाता है, जितने भी हमारे पास अवेलेबल मेटल इलेक्ट्रोड्स है उनके रिडक्शन पोटेंशियल को जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो सीरीज बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन उतार लीजिए। तो आइए अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक रफ व्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में मैं मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के नाम लिखूंगा, और उस मेटालिक इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड वाला वन मोलर कंसंट्रेशन पे, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा वोल्ट में। कुछ ही की लिखूंगा, सारी की तो याद नहीं है मुझे। तो सबसे टॉप पे जो आता है वो आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फ्लोराइड आयन में। हो रहा है रिडक्शन कि नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका जो आता है रिडक्शन पोटेंशियल वो आता है प्लस 2.87, प्लस 2.87, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कोबाल्ट,
थ्री प्लस से कोबाल्ट टू प्लस, इसका भी रिडक्शन हो रहा है। अगर आपका चार्ज घट रहा है प्लस वाला तो रिडक्शन हो रहा है। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो आता है 1.81 वोल्ट। फिर चलते चले जाएंगे नीचे, यहाँ पे और भी आएंगे आपके, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, कॉपर आएगा, आयरन आएगा, ये सब भी आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में आएगा हाइड्रोजन, क्या आएगा, H प्लस से H2, हो रहा है कि नहीं हो रहा रिडक्शन, देखिए प्लस से जीरो, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल शिवानी बोलो कितना था, जीरो वोल्ट था, भूल गई, कितना था, जीरो वोल्ट था। तो इसके ऊपर जितने रिडक्शन पोटेंशियल आएंगे सबकी वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस होगी, यानी इनकी टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के। अब इसके नीचे आते हैं तो सबसे लास्ट में जा रहा हूँ मैं, सबसे लास्ट में आता है आपका लिथियम प्लस से लिथियम, ठीक है। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज माइनस 3.05। इससे ऊपर जो आता है वो आता है पोटेशियम के प्लस से के, इसका होता है -2.93 वोल्ट। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के नीचे जितने आते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो क्या होती है, कम होती है, किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में, ठीक है। अब इनकी टेंडेंसी ज़्यादा है ऊपर वालों की, और इनमें भी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन की, क्या करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्योंकि वो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्या होते हैं, रिड्यूस। दोबारा समझिए, जो फ्लोरीन है इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी खुद की बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होकर दूसरों को क्या करवाता है, ऑक्सीडाइज करवाता है। तो ये जो ऊपर की तरफ जितने हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होते हैं, यानी इनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और नीचे वाले क्या होते हैं, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम होती है, उल्टा ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो आपने देख लिया, इसके बीच में और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको रफ आइडिया दिया है, इससे आपको क्या चीज़ समझ में आई कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे वाले जो होते हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऊपर वालों की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फटाफट उतार लो, फिर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊँगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एप्लीकेशन, यानी यूज़, इस सीरीज़ का इस्तेमाल आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर सकते हो उसके बारे में बताऊँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है मेरे पास डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर हमको दो इलेक्ट्रोड दे दिए गए, क्या दे दिए गए, और हमें ये पता करना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से पता कर सकते हैं। मान लीजिए हमको जो दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं मेटलिक इलेक्ट्रोड, उसमें से एक मेटल जो है टॉप पे आता है यानी ऊपर आता है, और एक मेटल नीचे आता है, तो जो मेटलिक इलेक्ट्रोड या जो मेटल ऊपर आता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो मेटलिक इलेक्ट्रोड नीचे आता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो मेटलिक इलेक्ट्रोड ऊपर आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, और जो नीचे आ रहा है कंपैरिजन में वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है, कम है। हम ये भी ले सकते हैं कि टॉप वाले जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो बॉटम वाले हैं वो क्या हैं, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोज मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स कमिंग ऑन अपर साइड आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाइल
लोअर वंस आर वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह कंपैरिजन का फैक्ट है, पहले बता देता हूँ। कंपैरिजन में करना पड़ेगा आपको, दो इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे, तो जो टॉप वाला इलेक्ट्रोड आ रहा होगा सीरीज में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो नीचे वाला होगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, उतार लो बेटा पहला इस्तेमाल। तो सेकंड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से मैं सेल पोटेंशियल ज्ञात कर सकता हूँ किसी भी गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। तो देखिए, जब हम कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो हमको उसमें दो इलेक्ट्रोड लेने होते हैं। जो लेफ्ट में इलेक्ट्रोड होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? एनोड की तरह एक्ट करता है, जिसमें क्या हो रहा होता है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और जो राइट में इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है, यानी प्लस की तरह एक्ट करता है, और वहाँ पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, अब इस सीरीज का हेल्प कैसे ली जा सकती है? ठीक, तो देखिए, जब भी हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे तो उसमें जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड होंगे वो इसी में से सेलेक्ट होंगे। क्लियर हो गया? जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे उसमें जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हम सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, इसी में से सेलेक्ट करेंगे। अब हमारा जो गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है उसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करना चाहिए? लेफ्ट से राइट, यानी माइनस, यानी एनोड से प्लस, यानी कैथोड की तरफ। ये है मेरी डिजायर्ड डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन है? डिजायर्ड। क्लियर हो गया? अब जब हम सेल बनाएंगे, क्लियर हो गया, जब हम सेल बनाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हमको अभी सेलेक्ट करना है राइट वाला हाफ सेल। कौन सा वाला? राइट वाला हाफ सेल, या राइट वाला क्या कंसिडर करना है, इलेक्ट्रोड, और एक लेफ्ट वाला करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो राइट वाला इलेक्ट्रोड आपको कंसिडर करना है वो सीरीज में ऊपर आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? ऊपर। दोबारा समझ लीजिए, जो राइट वाला आप इलेक्ट्रोड कंसिडर कर रहे हो, जिसको आप कैथोड मान रहे हो, और जिसमें जिसपे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो इलेक्ट्रोड इस सीरीज में ऊपर आना चाहिए। और जो लेफ्ट वाला है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो एनोड की तरह काम कर रहा है, वो इस सीरीज में कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तब आपका सेल जो है उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह से हमने सेलेक्ट किया है, यानी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कैथोड प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, राइट वाला बीकर का जो इलेक्ट्रोड है वो आपका ऊपर आना चाहिए, लेफ्ट वाले बीकर का इलेक्ट्रोड कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो आपका करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो हमारी डिजायर डायरेक्शन थी, यानी कैथोड से एनोड की तरफ। और आपका जो सेल ईएमएफ है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो आप सेल ईएमएफ निकाल सकते हो। मान लो आपने दो इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर लिए, एक ये वाला कर लिया मान लीजिए, क्लियर है, और एक ये वाला कर लिया। तो इस वाले को कहाँ रखूँगा मैं? राइट में। इस वाले को कहाँ रखूँगा? लेफ्ट में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्लियर हो गया? ई राइट में कौन सा वाला था? ये वाला था। इसका पोटेंशियल कितना है? 1.81। लिख दिया बेटा। माइनस में ई लेफ्ट में कौन सा था? ये वाला। इसका पोटेंशियल कितना है? दोनों को जोड़ दो तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। आ गई पॉजिटिव वैल्यू? तो जब आपका ई सेल पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, तो समझ लीजिएगा जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से हम अभी तक पढ़ते आए हैं। यानी आपका करंट जो है वो राइट से लेफ्ट, यानी कैथोड से एनोड जा रहा है। क्लियर है? और आपका लेफ्ट वाले बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट वाले में क्या है, रिडक्शन हो रहा है। ये डिजायर्ड डायरेक्शन है। तो जब आपका ई सेल पॉजिटिव आ जाए तो हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी डिजाइन किया है वो उसी तरह से काम कर रहा है जैसी हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब आप सेल बनाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जिसमें आपको रिडक्शन करवाना है, यानी राइट वाला जो इलेक्ट्रोड है वो टॉप पे आना चाहिए, और जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है वो कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। दूसरी बात ये कि जितना ज़्यादा गैप होगा दो में, उतना ही ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्या आएगी? ज़्यादा। यानी जो आप इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर रहे हो उसमें जितना ज़्यादा गैप होगा ईएमएफ की वैल्यू उतनी हाई आएगी। क्लियर हो गई? उतना ही हाई ईएमएफ आएगा आपका। ठीक है, और ईएमएफ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। फटाफट डाल लो बेटा।
तो बेटा हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ गिवन रिएक्शन इन डिजायर्ड डायरेक्शन। कोई भी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा यानी शुरू होगा या नहीं होगा, फिजिबल है या नहीं है डिजायर डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता कर सकते हैं। किसे पता कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। दोबारा समझ लीजिए, कोई भी गिवन रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है यानी वो डिजायर डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, ये भी हम किससे पता कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता कर सकते हैं। अब गिवन रिडॉक्स रिएक्शन जो है विल बी स्पॉन्टेनियस। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस मतलब डिजायर डायरेक्शन में होगा, वो विल बी इन डिजायर डायरेक्शन। कब? जब कोई भी गिवन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने आप होगा, फिजिबल होगा। कब? जब उस रिएक्शन में जो स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज, चाहे आयन हो चाहे एटम हो, वो केमिकल स्पीसीज जो रिड्यूस हो रही है, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। क्या है? हाई है। दोबारा समझ लीजिए, कोई भी गिवन रिएक्शन फिजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। कब? जब उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं, जो भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें से वो रिएक्टेंट जो रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है? रिड्यूस, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। दोबारा समझ लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें जो रिड्यूस हो रहा है, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, एक बात याद रखना, जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? हाई है, यानी वो ऊपर आ रहा है, तो वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, कैसे देखते हैं। तो देखिए, Ag प्लस कॉपर सॉलिड, Ag सॉलिड कॉपर 2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे पहले नोट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, पहले ये देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका चार्ज घट रहा है? सिल्वर का। यहाँ प्लस था या जीरो, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसका मतलब है इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए? कॉपर से। चेक करेंगे, तो जब हम चेक करेंगे सीरीज के अंदर, तो हम पाते हैं कि ये बात सच है कि जो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऊपर आ रहा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन होगा। दोबारा समझ लीजिए, जिसका भी रिडक्शन हो रहा हो वो सीरीज में कहाँ आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अगर हम उल्टा लिख दें इसको, यहाँ पे 2 लगा लेना, 2Ag सॉलिड कॉपर 2 प्लस कॉपर सॉलिड Ag प्लस, तो आप देखेंगे यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर की वैल्यू है 0.34 वोल्ट, ठीक है, और Ag की रिडक्शन वैल्यू है प्लस 0.80 वोल्ट। तो हमने बोला था जिसका रिडक्शन होना चाहिए बेटा, इधर देखिए, हमने बोला था जिसका रिडक्शन होना चाहिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो पहले वाले केस में किसका रिडक्शन हो रहा है? सिल्वर का। तो देखो उसकी वैल्यू हाई है कि नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरे वाले रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर का। तो कॉपर की वैल्यू हाई होनी चाहिए, लेकिन क्या है? हाई नहीं है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो कोई भी गिवन रिएक्शन कब पॉसिबल होगा? जब उस गिवन रिएक्शन में जो रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। कौन सी वैल्यू? रिडक्शन पोटेंशियल की। क्लियर है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है डिजायर डायरेक्शन में, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट उसी दिशा में होगा जिस दिशा में हमें चाहिए,
यानी कहाँ से, लेफ्ट से राइट। तो आपकी ई सेल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए पॉजिटिव। अगर किसी, ये तो मैंने बताया रिएक्शन का, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूँ और मुझे चाहिए कि इस वाले सेल में क्या हो, रिडक्शन, इस वाले सेल में क्या हो, ऑक्सीडेशन, और करंट जो है यानी कैथोड से कहाँ जाए, एनोड की तरफ, तो आपका जो ई सेल है वो क्या निकल के आना चाहिए, पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। और आपको इस तरह सेलेक्ट करना है इसमें से कि जो आपका राइट वाला बीकर का इलेक्ट्रोड है वो टॉप पे आना चाहिए और लेफ्ट वाले बीकर का इलेक्ट्रोड कहाँ चाहिए, नीचे आना चाहिए। क्लियर है। और अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें केमिकल रिएक्शन में जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो माना जाएगा, तभी वो फिजिबल है रिएक्शन, अदरवाइज नहीं है। बता लो बेटा। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास रिलीज ऑफ, लास्ट टॉपिक नहीं सॉरी लास्ट एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन, रिलीज ऑफ H2 गैस फ्रॉम एक्वस एसिड्स बाय मेटल्स। जब भी हम किसी मेटल को किसी एक्वस एसिड में डाल देते हैं तो रिएक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपका रिएक्शन हुआ तो आपकी उसमें से कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, ये आप पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस में सेकेंडरी लेवल पे। तो जब भी हम किसी मेटल को HCl से या फिर किसी दूसरे एसिड से, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इसे रिएक्ट कराते हैं और रिएक्शन हो जाता है तो आपकी कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेकिन हर एक मेटल हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकता। तो कौन कौन से मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकते, तो पहले तो हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस कब लिबरेट होगी। तो देखो, हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होगी जब हाइड्रोजन आयन का क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, क्या हो जाए, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होगी, जब हाइड्रोजन आयन जो है उसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ कितना है, जीरो, हो गया कि नहीं हो गया, रिडक्शन। जब मेटल को आपने उसमें डाला और उस मेटल ने इसका क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया, तो हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। और कब रिडक्शन होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो कौन हाइड्रोजन का रिडक्शन करवा सकता है, यानी हाइड्रोजन रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन किधर होना चाहिए, हमारे पास राइट में होना चाहिए, और इधर कौन होना चाहिए, लेफ्ट में। और लेफ्ट में कौन होते हैं, जो हाइड्रोजन से कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। तो वो सभी मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन आयन को किस में रिड्यूस करवा देंगे, गैस में। यानी वो सभी मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है उनको जब आप रिएक्ट कराएंगे HCl वगैरह से तो वो क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस। और वो सभी मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं उनको अगर आप रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, HCl H2SO4 के साथ, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो वो सभी मेटल्स जिनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है यानी जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, किसके साथ, HCl के साथ या H2SO4 के साथ। एग्जाम्पल्स हैं आपके कॉपर, कोबाल्ट, आपका हो गया आयरन हो गया, ठीक है, आपका जो है गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते, यानी इनको जब आप HCl वगैरह से रिएक्ट कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये H2 से कहाँ आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, प्लस का है। अब दूसरे मेटल्स लेते हैं जो इससे नीचे आ रहे हैं, ठीक है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, और वो इसको क्या करवा देंगे, रिड्यूस करवा देंगे, यानी उनको जब आप रिएक्ट करवाओगे HCl वगैरह के साथ तो रिएक्शन आपका होगा। इनका क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, कैडमियम हो गया, क्या हो गया, कैडमियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये सभी वो मेटल्स हैं जो कि एसिड से क्या लिबरेट कर सकते हैं, H2 गैस लिबरेट कर सकते हैं। दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, वो सभी मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो HCl के साथ या H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेंगे। वो सभी मेटल्स जो कि H2 गैस से नीचे आते हैं या जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो सभी जो है HCl H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे बाय रिड्यूसिंग द H+ आयंस। उतार लो बेटा फटाफट।